परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान कबीर साहिब की असीम कृपा से परिभाषा प्रभु की सर्वभक्त समाज के समक्ष पहुंची। इस सत्य ज्ञान को श्रवण करके तथा टीवी के ऊपर देखकर हजारों की संख्या में भक्तात्माओं के श्रद्धा भरे पत्र तथा साथ में टेलीफोन के माध्यम से हमें उनके हृदय की पुकार, हृदय से की हुई प्रशंसा हमारे पास पहुंची, साथ में उनकी विनम्र शंकाएं भी आई। विनम्र भाव से उन्होंने प्रार्थना की कि जो आपने शास्त्रों के आधार पर यह सत्य ज्ञान समाज को दिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। ऐसा स्वच्छ, ऐसा सत्य ज्ञान ये अभी तक कहाँ छुपा रहा, इसका कारण क्या रहा, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि अभी तक हमें ये सत्य ज्ञान नहीं पता चला, जबकि सभी शास्त्रों में और जो का तो प्रमाण मिला। अब ऐसे भक्तात्माओं की अगर शंकाओं का समाधान नहीं हो पाया तो ये शंका रूपी कांटा फिर इस भक्ति रूपी मार्ग में बाधक बन जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम सृष्टि रचना का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक हम सृष्टि रचना को ढंग से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इस सत्य ज्ञान को नहीं कैच कर सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं समझ सकते। सृष्टि रचना के बारे में अभी तक समाज को, भगत समाज को, अपना कोई समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं है हमारा, हमारा एक ही धर्म है मानव धर्म, और जीव अपनी जाति है। ये सबसे पहले हमने याद रखना चाहिए, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं कोई नारा है। हम एक पिता की संतान है, हमारा एक ही बाप है, वो कुल मालिक पूर्ण परमात्मा। और पिछले इतिहास को अगर हम देखें उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। आज हम कोई हिंदू बना हुआ है इस मानव शरीर के समाप्त होने पर, भक्तिहीन प्राणी अपने संस्कारवश कभी पशु बन जाएगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी पानी के जलचर बन जाएंगे। जब हम पशु होंगे तो हमारी पशु जाति होगी, और जब हम पक्षी होंगे तो हम पक्षी जाति के प्राणी होंगे। और ये भी हो सकता है कि हमारा कोई पुण्य संस्कार बचा हुआ हो, पुनर्जन्म मानव का हो, तो हम कोई हिंदू है वो मुसलमान के घर जन्म लेगा, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार रले मिले हैं, अलग नहीं है। सिख धर्म लगभग 300 वर्ष पूर्व 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये निर्मित हुआ, इसका उत्थान हुआ। उससे पहले सब हिंदू थे, उनके पिछले नाम राजा राम, कृपा राम, रामचंद्र, चंद्रभान, इस प्रकार के हैं। तीन चार पीढ़ी से पूर्व के जितने पूर्वज हैं वो इन नामों पर हैं। ऐसे ही इससे पहले
मुसलमान धर्म नहीं था। हजरत मोहम्मद जी ने एक विशेष पवित्र मार्ग बनाया था भक्ति का, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत त्रुटियां बन गई। ऐसे ही पहले ईसा जी ने एक निर्मल भक्त समाज तैयार किया था, उससे पूर्व अब्राहिम जी ने, ऐसे ये आदम जी से पहले हिंदू धर्म था, और हिंदू से पहले केवल आर्य हुआ करते थे, कोई धर्म नहीं था। अब हमने ये विचार करना पड़ेगा कि हम दो नहीं हैं। जब से जहां से भी भक्ति प्रारंभ होती है वो निर्मलता के आधार पर है, बीड़ी शराब मांस तमाकू उसमें कभी प्रयोग नहीं होता, और केवल एक प्रभु की ही साधना प्रारंभ होती है। आने वाले समय में उसमें त्रुटियां आ जाती हैं, मनमुखी गुरुलोग उसमें ढेर सारी त्रुटियां पैदा कर देते हैं, और जिसके कारण वो समाज का प्रारूप बदल जाता है, भगत समाज का उस धर्म का एक प्रारूप बदल जाता है, वास्तविकता नहीं रहती। फिर ऐसे ही सदियों उपरांत फिर ये मार्ग प्रारंभ होता है, उसमें प्रारंभकर्ता को कठिनाइयां अवश्य आती हैं। समाज समझता है कि ये निंदक है, सभी को की साधनाओं को गलत बता रहा है, बिल्कुल नहीं। गलत उनको लगेगा ये मार्ग जिनको स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं और उनके गुरुदेव अधूरे हैं, जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि ये सृष्टि कैसे रचेगी जबकि शास्त्रों में विद्वान है ये सारा ज्ञान। अब सबसे पहले हमने सृष्टि रचना का सही ज्ञान होना चाहिए, तो अब दास आपको सृष्टि रचना बताना चाहेगा। सर्वप्रथम केवल एक ही प्रभु था, उसका नाम कबीर है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर है, वो अनामी लोक में अकेले लोक में रहता था, और वहीं पर हम सब जीव उसी परमेश्वर कबीर में समाये हुए थे। उसके बाद उस परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर अर्थात अपने उस अनामी लोक में स्वयं ही तीन नीचे के लोकों की ओर रचना की, अलख लोक, अगम लोक, फिर अलख लोक और नीचे का सतलोक। फिर सतलोक में आकर के उस परमेश्वर ने अन्य रचना की। सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की, उसके बाद 16 शब्द फिर उच्चारण किए, उनसे अपने 16 पुत्रों का निर्माण किया, उनकी शब्द से उत्पत्ति की, वचन से, और उनको उन 16 द्वीपों में रहने की आज्ञा दी। उनमें से एक पुत्र अचिंत को उस सत पुरुष ने, क्योंकि सतलोक में उपमात्मक नाम उसी कबीर परमेश्वर का सत पुरुष, नी अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूरत, पूर्ण ब्रह्म, ये उनके उपमात्मक नाम है, और वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर है। सतलोक के अंदर सत पुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप यहां की अन्य सृष्टि रचना को करो मेरी शक्ति तक। अचिंत ने अपनी सब शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की और उससे कहा कि मेरा सहयोग दो यहां सतलोक में अन्य सृष्टि रचना करने का।
अक्सर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म एक सतलोक में बने हुए मान सरोवर में, उसके अंदर अमृत जल है, सतलोक के अंदर जल अमृत है, उस अमृत सरोवर में प्रवेश कर गए और वहां आनंद से विश्राम करने लगे। अक्सर पुरुष को निद्रा आ गई, सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है, काफी समय तक सोते रहे, तब सतपुरुष ने अपनी सबल शक्ति से एक अंडा, जल अमृत तत्व से एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा प्रवेश की, उस आत्मा समेत उस अंडे को उस जल में डाला, अमृत सरोवर में, उस मान सरोवर में। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे जा रहा है तो अक्सर पुरुष अर्थात इस पार ब्रह्म की निद्रा भंग हुई। जब ही कोई अधूरी निद्रा से जागता है उसके अंदर कुछ कोप होता है, अब जो ही उसने अपनी कोप सहित दृष्टि से देखा कि मेरी निद्रा किसने भंग कर दी, तब उसका वो कोप उस अंडे पर पड़ा, अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला, सर्वपुरुष ब्रह्म अर्थात सर्वपुरुष, इसी को ज्योत स्वरूपी निरंजन, वास्तव में इसका नाम कैल है, कैल, और यही आगे चल के काल कहा, ये आने वाले इसी विवरण में आपको ज्ञान होगा। आकाशवाणी सतपुरुष ने की कि तुम दोनों बाहर आओ, अक्सर पुरुष तुम निंद्रा में थे और आपके बिना यहां सृष्टि नहीं रची जा रही थी, तुम दोनों बाहर आओ और तुम्हें जगाने के लिए सारी क्रिया की गई और तुम दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहो, ऐसे आदेश प्रभु का पाक है, वे दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे काफी समय तक। उसके बाद हम सभी की उत्पत्ति कबीर परमेश्वर ने, उसी सतपुरुष ने अपने सबद शक्ति से हम सब की उत्पत्ति वहां पर की। कुछ दिनों के बाद इस क्षर पुरुष के अर्थात ब्रह्म के मन में एक खरपतवार उपजा, इसके मन में ये आया कि मैं अपना अलग से राज्य बनाऊं, हमारे मेरे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में रहते हैं और हम दो यानी अचिंत और ब्रह्म और साथ में ये अक्सर पुरुष पर ब्रह्म भी, हम एक ही द्वीप में रह रहे हैं, मैं अपना अलग राज्य चाहूंगा। इस उद्देश्य से ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने 70 युग तक अलग से एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या की। जब ये तपस्या कर रहा था, हम ये सभी आत्माएं जो आज काल के लोक में दुख पा रहे हैं, चाहे आज कोई देव बना है, चाहे कोई महादेव बना है, चाहे आज कोई शूकर बना है, चाहे कोई गधा बना है, चाहे कोई राजा बना है, चाहे कोई रंक बना है, पशु या पक्षी बना हुआ है, ये सभी की सभी आत्माएं हम इस काल के ऊपर अर्थात इस ब्रह्म के ऊपर आसक्त हो गए और यही बीमारी आज हमारे अंदर विद्यमान है, यही प्रक्रिया। जैसे ये नादान बच्चे किसी हीरो और हीरोइन को देख कर उसकी अदाओं के ऊपर इतने आसक्त होते हैं, हो जाते हैं कि वो अगर आसपास कहीं किसी शहर में वो हीरो, वो अभिनेता या अभिनेत्री आ जावे लाखों की संख्या में, उनके दर्शनार्थ भीड़ उमड़ जावे और लेना एक न देने दो, कुछ मिलना नहीं उसे, ऐसी हमारी वृत्ति वहां बिगड़ी थी सतलोक में। हम वहां रहा करते थे अपने पिता के पास, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारे परिवार थे,
हम प्यार से रहा करते थे, लेकिन वहां हम अपने पति भर्ता पद से गिर गए, अपने मूल मालिक उस पूर्ण ब्रह्म जो सर्व सुखदायक सुखदायी सदा सहाय आत्मा का आधार वास्तव में भगवान है, जो जीव को दुखी नहीं करता, जन्म मरण के कष्ट में नहीं डालता, कुत्ते और गधे नहीं बनाता, उसको छोड़कर और हम इस काल यानी ब्रह्म के ऊपर आसक्त होगी। जब इसने सत्ययुग तप कर लिया, तब पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने पूछा भी क्या चाहता है तू, काल कैल क्या चाहता है ब्रह्म, तू क्या चाहता है। तब इस ज्योत स्वरूपी नरेंद्र ने कहा कि पिताजी, ये स्थान जहां मैं रह रहा हूं ये कम है, मुझे अलग से राज्य दो। तब उस पूर्ण ब्रह्म ने इस ब्रह्म के तप के बदले में 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए, जैसे 21 प्लॉट दे देवे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को। 21 ब्रह्मांडों को पाकर ये ज्योत निरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद इसके मन में आया कि इसमें कोई अन्य रचना करूं, उसके लिए कुछ समान पिताजी से मांगू। इसने सत्ययुग तप फिर किया। तब सतपुरुष ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, आपको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। तब इस ब्रह्म ने कहा कि पिताजी, इसमें कुछ रचना करना चाहता हूं, कृपा रचना करने की सामग्री दीजिए। सतपुरुष ने इस ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण प्रदान कर दिए। इसके बाद इसने सोचा कि ब्रह्म ने सोचा कि इसमें जीव भी हो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। इस उद्देश्य से 64 युग तप फिर किया। तब सतपुरुष ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योत निरंजन, अब तो तुझे मैंने जो मांगा सो दे दिया। तब ब्रह्म ने कहा, पिताजी कृपा मुझे जीव प्रदान करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है, उसमें पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर परमेश्वर ने कहा कि ज्योत निरंजन तेरे तप के बदले में राज्य दे सकता हूं और ब्रह्मांड चाहिए वो दे सकता हूं, परंतु ये अपनी प्यारी आत्मा अपना अंश नहीं दूंगा तुझे, ये तो तेरे किसी भी क्रिया धर्म धार्मिक क्रिया से तप से किसी भी जप से नहीं दूंगा। हाँ, यदि वो स्वयं कोई जाना चाहता है अब सब इच्छा से, कोई हंस आत्मा कोई भक्त आत्मा, तो मैं स्वीकृति दे सकता हूं, नहीं तो मैं अपनी इच्छा से नहीं कहूंगा ये मैं नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर ये ब्रह्मचर पुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात जो भविष्य में फिर काल कहलाया, हमारे पास आया। आज हम जितने भी ये दुखी आत्मा इस काल के 21 ब्रह्मांड में पीड़ित हैं, हमारे पास ये ब्रह्म आया और हमसे कहा कि मैं वहां अलग से ब्रह्मांड लिए हैं मेरे पिताजी से अपने तप के बदले में, वहां ऐसे स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा और ऐसे दूधों की नदी बहाऊंगा, झरने बनाऊंगा, क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हो। तब हम सभी ने जो यहां काल के 21 ब्रह्मांडों में पीड़ित है कहा कि यदि पिताजी हमें आज्ञा दें तो हम चलने को तैयार हैं। इस बात को सुनकर ज्योत स्वरूपी निरंजन कबीर परमात्मा के पास आया और उससे कहा कि पिताजी, कुछ आत्माएं हमारे साथ चलने को तैयार हैं।
सतपुरुष से कहा, इस काल ने ब्रह्म ने कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, उन्होंने सहमति दी है। तब पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अर्थात कबीर देव ने, कबीर साहब ने कहा कि यदि वो मेरे सामने स्वीकृति देंगी, जितनी भी आत्माएं हैं जो तेरे साथ जाना चाहते हैं, तो मैं उनको आज्ञा दे दूंगा। ऐसा कहकर के सतपुरुष हम सभी आत्माओं के पास आया जो आज काल के लोक में कैद में बंद हैं। सतपुरुष ने, उस अकाल मूर्त ने, शब्द स्वरूपी राम ने हमसे पूछा कि जो आत्मा इस ब्रह्म के साथ जाना चाहती हैं, वो अपनी सहमति व्यक्त करें। उस समय हम सभी घबरा गए और नई हिम्मत पड़ी अपने पिता के सामने स्वीकृति देने की। उस समय एक आत्मा ने सर्वप्रथम हिम्मत किया, डेयर किया और कहा कि पिताजी, मैं इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता हूं। उसकी देखा देखी फिर हम सभी ने स्वीकृति दे दी। और जितनी भी आत्माएं उसमें स्वीकृति दी थी, सभी कबीर साहब ने उनके नंबर नोट किए और जिसने सर्वप्रथम सहमति दी थी उस आत्मा का भी नंबर नोट किया और ब्रह्म से कहा कि ब्रह्म, आप जाओ अपने लोक में, अब इन सभी आत्माओं को मैं विधिवत तेरे लोक में भेजूंगा। ऐसा कहकर के सतपुरुष ने अपनी सब शक्ति तय उस प्रथम स्वीकृति देने वाली आत्मा को एक लड़की का रूप बना दिया और उसको उसके अंदर एक शब्द शक्ति दे दी और हम सभी जीव आत्माओं को उसे प्रकृति देवी भी कहते हैं, अष्टंगी भी कहते हैं और वही महामाया भी कहलाई यहाँ 21 ब्रह्मांड की। इस देवी को उत्पन्न किया अर्थात उस आत्मा का लड़की बनाया, फिर हम सभी आत्माओं को जो 21 ब्रह्मांड में आए हुए हैं उसके अंदर प्रवेश कर दिया इस लड़की के शरीर में, प्रकृति देवी के शरीर में, अर्थात इसको अद्धा माया भी कहते हैं और यही आगे चलकर त्रिदेवों की माता कहलाई। प्रवेश कर दिया और कहा कि बेटी, तेरे को मैंने सबल शक्ति दे दी है और जितने भी जीव काल कहे ब्रह्म कहेगा तू बना देना, एक बार मुख से उच्चारण करेगी उतने ही नर और मादा ये जोड़े उत्पन्न हो जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा, सहजदास जाओ अपनी बहन को उस ज्योत स्वरूपी निरंजन के पास छोड़ आओ और उसको बताना कि इस लड़की को, इस प्रकृति देवी को, अध्या माया को मैंने सबद शक्ति दी है, ये जितने जीव तू कहेगा ये बना देगी और जितनी आत्माओं ने स्वीकृति दी थी वो सभी इसके अंदर प्रवेश कर रखी हैं। सहजदास प्रकृति देवी को लेकर, अध्या माया को लेकर ज्योत निरंजन के पास आया, उसके पास छोड़ दिया और कहा कि पिताजी ने ऐसे ऐसे कहा है, इस लड़की के पास सब शक्ति है और जितने जीव तू कहेगा ये नर और मादा अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कह करके सहजदास अपने लोक में लौट आया, अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रूप निखरा हुआ था, इस ज्योत स्वरूप निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के मन में नीचता उत्पन्न हुई, जिस जो आज सब जीवों में विद्यमान है वही व्यक्ति, वही प्रक्रिया, वही ये बुरी आदत युवा लड़की को देखकर
उसके साथ बदव्यवहार करने की चेष्टा इस क्षर पुरुष ने अर्थात ज्योत स्वरूपी निरंजन ने की। लड़की ने प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योत निरंजन तू होश में आ जा, तू और मैं एक ही पिता की संतान है। पहले तेरी उत्पत्ति हुई उन्हीं के शब्दतः अंडे में और उन्हीं ने मुझे उत्पन्न किया। तू और मैं बहन और भाई हैं। बहन भाई का ये कर्म पाप का भागी होता है। तू मान जा मेरी बात। ज्योत निरंजन ने एक भी बात उस लड़की की नहीं सुनी और मदहोश होकर विषय वासना के वश होकर काम वश होकर उस लड़की को पकड़ने की चेष्टा की दुष्कर्म करने के लिए। लड़की ने अपनी इज्जत बचाने का और कहीं स्थान ना पाकर जो ही उस काल ने ज्योत स्वरूपी निरंजन ने क्षर पुरुष ने ऐसे मुंह खोला हुआ था आलिंगन करने के लिए ऐसे बाजू फैलाई थी, उसी समय लड़की ने छोटा रूप बनाया सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म और उसके पेट में चली गई अपनी इज्जत रक्षा के लिए। वहां से अपने पिता से पुकार की हे परमपिता, हे सतपुरुष, हे कबीर परमेश्वर मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं काल से अपनी इज्जत रक्षा के लिए, इस ब्रह्म से अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में प्रवेश हूं और मुझे आकर मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इससे। उसी समय कबीर परमेश्वर ने अपना ही दूसरा रूप अपने पुत्र योग संतायन अर्थात योग जीत, उसे जोग जीत भी कहते हैं, योग जीत का रूप बनाकर काल के 21 ब्रह्मंडों में प्रवेश प्रकट हुए और कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन तूने जुल्म कर दिया, आपने ये ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसे कर्म करने वाले पाप आत्मा को इस सच्चे लोक में ये श्राप ये कर्म ये पाप लगता है कि 100,000 जीवों का मनुष्य शरीरधारी जीवों का रोज आहार करेगा और 125,000 की उत्पत्ति करेगा। पिताजी ने आदेश दिया है मुझे कि आप यहां से निकल जाइए अपने 21 ब्रह्मंड को लेकर, और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, प्रकृति देवी को इस ब्रह्म के पेट से निकाल दिया और उनको 21 ब्रह्मंड समेत और दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया और कहा कि प्रकृति तूने स्वयं अपने पैर पर कवाड़ा मारा है, अपने पिता से दूर होगी तू, अब इसकी सजा तू ही पावेगी और जाओ यहां से 21 ब्रह्मंड लेकर आप चले जाओ। इतना कहते ही 21 ब्रह्मंड वायुयान की तरह वहां से चल पड़ा और वहां से सतलोक से 16 संख कोस की दूरी पर नील पद्म संख यानी 16 संख कोस की दूरी पर ये 21 ब्रह्मंड आकर के स्थिर कर दिए कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति तय। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के मन में फिर यही निजता फिर उठी और कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, अब मैं मनमाना करूंगा। उस लड़की ने प्रकृति देवी ने फिर प्रार्थना की कि ज्योत निरंजन अब भी तू मान जा। पहले तो आप और मैं एक ही पिता की संतान है और दूसरे मैं तेरे पेट से होकर आई हूं, ये कर्म अब मैं तेरी बेटी बन गई। प्रथम तो बहन और भाई का ये पाप कर्म महापाप का कारण है और दूसरे मैं तेरी बेटी हुई आपके पेट तक उगाई और बाप बेटी का ये जुल्म अच्छा नहीं। मान जा मेरी बात, मेरे पास सब शक्ति है पिताजी की दी हुई और जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी।
लेकिन इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने एक भी बात नहीं सुनी उस प्रकृति देवी की, दुर्गा की, जबरदस्ती शादी की। और एक ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान बना रखा है इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने, वहां पर ब्रह्म लोक कहते हैं उसको। उस ब्रह्म लोक के अंदर इसने तीन स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान। जब ये सतोगुण रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में इस दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में रखता हुआ वहां रहता है, उस समय जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, उसको रजोगुण बना देता है। उसके बाद ये दोनों उस स्थान पर आ जाते हैं जो सतोगुण प्रभावित होता है। वहां पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं, उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं और उसका नाम ये विष्णु रखते हैं। तीसरे स्थान को तमोगुण प्रभावित बना रखा है, वहां रहकर अब इसी प्रकृति देवी दुर्गा के साथ जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम रुद्र, शंकर, शिव रखता है। ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने ये ब्रह्म लोक बनाए हैं और वहां पर ये ऐसे ही कुछ समय के लिए प्रकृति देवी को अपने साथ रखता है और उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। अब जब इसने इस लड़की को, प्रकृति देवी को बदनजर से देखा था और ये लड़की प्रकृति देवी ने इसके पेट में शरण पाई थी, ज्योत निरंजन के पेट में, और फिर सतपुरुष ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके आकर उसको निकाला था, उस दिन से इसका नाम काल पड़ा। कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा और 1,00,000 जीवों का, मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। ये वहां पर सतलोक के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने वाले को सबते पाप लग जाता है। अब ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां पर कोई नहीं आ सकता और आज के बाद मैं किसी भी 20 ब्रह्मांड के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को आकार रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मुझे निराकार समझा करेंगे लेकिन मैं अपने वास्तविक रूप, काल रूप में अपने 21वें ब्रह्मांड में रहा करूंगा। वहां पर कोई नहीं आ सकता, ना ब्रह्मा आ सकता, ना विष्णु आ सकता, ना शिव आ सकता और ना ही कोई वेदों में के अनुसार साधना करने वाले साधक आ सकते, मैं वहां रहा करूंगा। और सर्व कार्य मैं गुप्त रूप से किया करूंगा। तब प्रकृति देवी ने कहा कि निरंजन मैं तेरे वश होगी, अब कुछ भी नाच नचा। इतने बड़े ब्रह्मांडों को, इन 20 ब्रह्मांडों को मैं कैसे चलाऊंगी एक स्त्री की जाति, और तू मुझे छोड़कर जा रहा है, कहता मैं आज के बाद किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तब ज्योत स्वरूप निरंजन अर्थात इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कहा कि प्रकृति चिंता ना करे, जो कुछ भी करूंगा वो मैं ही करूंगा, तुम तो निमित मात्र होगे और ये बच्चे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भी केवल निमित होंगे, इन सब का रिमोट मेरे पास होगा, सब कार्य मैं करवाऊंगा, तू चिंता मत कर। और जब ये बच्चे थोड़े से स्याने हो इनको अचेत कर देना, जब ये बाल अवस्था से ऊपर उठे इनको अचेत कर देना और मेरा भेद मत बताना, ये समझ लेना ध्यान से, अगर मेरा भेद तूने इनको बताया तो मेरे से बुरा नहीं होगा, ऐसे उसको डरा धमका दिया।
इस प्रकार ये काल उसके बाद निराकार कहलाता है, लेकिन ये आकार में अपने उस काल लोक में विद्यमान रहता है। जब ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश से आने हुए, तब तक इनको अचेत रखा गया। जब ये सयाने हुए, उसमें ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को शेष सैया पर और शिव को एक कैलाश पर्वत पर इनको बेहोश रखा हुआ था और फिर वहां पर सचेत कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा को कमल के फूल पर, इसी स्वयं ब्रह्म ने काल ने अपने ही नाभि से एक कमल प्रकट किया। वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में तीन रूप में ब्रह्म लोक में रहता है, हर ब्रह्मांड के अंदर। उसमें ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर रख दिया। ब्रह्मा को ये नहीं मालूम कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा माँ है, कौन मेरे पिता है। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो। ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तब ब्रह्मा ने सोचा कि मैं कहे की सृष्टि करूं, सब जगह जल ही जल है, कहीं पृथ्वी दृष्टि गोचर नहीं हो रही है। इतने में मधु और कैटब नाम के दो राक्षस काल ने प्रेरित करके और ब्रह्मा की ओर भेज दिए। ब्रह्मा डर के मारे उस कमल के फूल को के डंठल को पकड़ कर नीचे उतर गया, बहुत स्पीड तय। नीचे जब आया तो उसी जल के ऊपर एक शेष सैया पर चतुर्भुज रूप में एक व्यक्ति सो रहा है। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म है। जब ब्रह्मा वहां पहुंचा, उसी समय उस वो विष्णु जी थे, जो त्रिलोकीय विष्णु विष्णु जी थे, उनमें से एक शक्ति निकली, वो आकाश में छा गई। उसमें ये ब्रह्मा विष्णु जी होश में आए। इतने में मधु और कैटब भी पहुंच गए। मधु और कैटब के साथ भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक युद्ध किया, वो नहीं मरे। फिर उस शक्ति ने जो आकाश में छाई थी एक लड़की का रूप बनाया, देवी का, और मधु कैटब को मोहित किया अपनी और आकर्षित किया अपनी कलाओं से, अदाओं से। जब मधु और कैटब उस लड़की की तरफ देखने लगे तो विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों को मार डाला। अर्थात 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से दो राक्षस नहीं मरे। वो भी तब मरे जब उस माता ने सहयोग दिया, उनको अट्रैक्ट कर लिया, आसक्त कर लिया। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं कि ये समर्थ नहीं है। जब 5000 वर्ष तक दो राक्षस नहीं मर पाए भगवान विष्णु से, तब ब्रह्मा जी और विष्णु दो थे। इतने में रुद्र अर्थात ये शिव भी वहीं प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी देवी भागवत महापुराण में बताता है कि मैं फिर हम तीन हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तब देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता अपने अपने कार्य को ध्यान से सुनो और उस पर संलग्न हो जाओ। ब्रह्मा जीवों की उत्पत्ति करवावे, उनको रजोगुण प्रभावित करके, ये केवल इतने ही ब्रह्मा हैं। और विष्णु फिर इनके आपस में सतीथी बनाए रखे, मोह ममता में फंसाए रखे, ये विष्णु जी की ड्यूटी है। और शिव की ड्यूटी है कि ये संहार करे। तब इन तीनों ने कहा कि हे माई, हे देवी, कहीं पर पृथ्वी नजर नहीं आ रही है और पृथ्वी के बिना प्राणियों की सृष्टि, स्थिति और संहार असंभव है। तब वो देवी मुस्काई और कहा कि तुम, इतने में एक विमान आया और कहा कि तुम तीनों के तीनों इस विमान में बैठो और चिंता मत करना, घबराइयो मत। उसमें ये तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश विमान में प्रवेश कर गए। विमान मन की गति से चला, बहुत तीव्र गति था।
कहाँ पहुंचा? ब्रह्मलोक में पहुंचा, जहां पर ये काल भगवान तीन रूपों में रहता है, जहां इनकी उत्पत्ति की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और वहां पर कोई नहीं जा सकता, ना वेद विधि से किसी साधना तक, ना तप से, ना यज्ञ से, ना हवन से, किसी प्रकार से नहीं जा सकता, ना किसी जप से। वहां पर तो ये अपनी कृपा से ही ले जा सकता है ये काल भगवान, सोचल सिद्ध करके। वहां जाकर के इन्होंने क्या देखा, एक इंद्र देखा वहां पर, क्योंकि वो महास्वर्ग के अंदर एक महा इंद्र है। उसके बाद फिर आगे विमान गया, वहां एक ब्रह्मा देखा। जब ब्रह्मा दूसरा ब्रह्मा देखा तो शिव और विष्णु ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। उसके बाद विमान आगे चला, फिर क्या देखा कि एक त्रिनेत्रधारी भगवान शिव दूसरा देखा, जो नंदी वृषभ पर सवार थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। उसके बाद इनका विमान आगे चला, वहां पर क्या देखा कि एक विष्णु और थे, और वहां बहुत सुंदर विशाल लक्ष्मी का एक भवन था, उसमें बहुत ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध थे। उसके बाद विमान आगे पहुंचा, कहां गया, एक माई बैठी थी जिसके शरीर में जैसे हजारों बिजलियां चमक रही हो, इतना तेज था, इतना नूर था, और वो प्रकृति देवी थी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ थी, माँ है जो इन्होंने देखी। विमान वहां रुका, देवी एक विशाल भवन के अंदर विराजमान थी। तब उसने कहा कि तुम तीनों के तीनों जहाज से नीचे उतरो। हम नीचे उतरे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा बता रहा है देवी भागवत महापुराण में, नीचे उतरे। तब विष्णु जी ने ध्यान से देखा और कहा कि ये तो अपनी माँ है, इस माई के दर्शन मैंने किए थे जब मैं बालक था, छोटा सा था। जब मैं बालक था, छोटा सा था, तब मैंने इस माई के दर्शन किए थे। इससे सब सिद्ध है कि इनका जन्म है और ये तीनों की माँ है। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव ने, तीनों ने स्वीकार कर लिया कि ये ही अपनी जननी है। तब शिव जी कहते हैं, हे माता, जब आप ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाली आप हैं, विष्णु भी जब आपके बालक हैं, तो ये तीसरा भी आप ही का बच्चा है। आप ही हमें गुप्त भेद नहीं बता रहे थे, अब हमने आप ही की कृपा से ज्ञान हुआ। अब इसका प्रमाण आपको सबसे पहले देवी भागवत महापुराण में देता हूं। पहले आपको देवी भागवत महापुराण से प्रथम शिव पुराण को दिखाता हूं, उसके बाद फिर आपको देवी भागवत महापुराण दिखाऊंगा। और ये शास्त्र पहले से उपलब्ध थे, कोई आज नहीं बनाए इस दास ने, क्योंकि जितने हमारे अभी तक शास्त्र विद रहे वो अल्पज थे, अधूरे ज्ञान युक्त थे वो, उनको इस सत मार्ग का पता नहीं था। इसलिए हमारे सभी पूर्वजों को भूत बना दिया, गीता विरुद्ध साधना करवा के, और पितर बनवा दिया गीता विरुद्ध साधना करवा के। गीता में लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तक भी नहीं करनी है, तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी है, केवल ब्रह्म से प्रारंभ होती है भक्ति, और पूजा करनी है केवल पूर्ण ब्रह्म की। अब मैं आपको देवी भागवत, पहले आपको शिव महापुराण दिखाता हूं। अब देखिएगा भक्त आत्माओं, ये देवी भागवत महापुराण, शिव महापुराण, ये शिव महापुराण, इसके अंदर आपको पता चलेगा शिव
श्री शिव महाप्राण भाषा सटीक सहितम, ये संस्कृत युक्त है, इसमें संस्कृत भी साथ है और ये शिवा भाषा टीका टिकोपतम। टीकाकार है डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी। साहित्य आयुर्वेद ज्योतिष आचार्य एमए पीएचडी डीएमसीए, ये टीकाकार हैं इनके। और ये आपके समक्ष है, इसमें क्या लिखा है यहां देखिएगा। यहां से पढ़िएगा, ये संस्कृत है और ये हिंदी हिंदी आपको दिखाना चाहूंगा। पर प्रलय काल में, इधर से रो पीछे लाओ, ए मुनिवर, प्रलय काल में भी शिव पार्वती का कभी वियोग ना होने के कारण ही काशी को अविमुक्त अक्षेत्र कहते हैं। प्राचीन काल में शिवजी ने इस अक्षेत्र का नाम पहले नंदनवन और बाद में अविमुक्त रखा था। हे देवऋषि नारद, आनंद वन में रमण करते हुए शिव पार्वती के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष का निर्माण किया जाए, जिसके ऊपर अपने इस महासागर को डालकर हम दोनों स्वच्छंद होकर वैराग्य धारण कर केवल काशीपुरी में निवास कर सकें। वही रक्षा करे और अंत में मेरे अनुग्रह से वही सृष्टि का संवरण करे। चिंता रूपी लहरों से चलायमान चिंता रूपी समुद्र को बटोर कर रजोगुण रूपी विदुम से विस्तृत करे। अब यहाँ देखिएगा, ये ना अपने हिसाब से लगा रखेगा। ऐसे विचार कर उस सर्वव्यापक भगवान ने उस प्राशक्ति के दसवें अंग, ये दसवां अंग देखिएगा, ये ध्यान रखना, दसवें अंग अर्थात योनि में सुधार रूपी आवास का प्रयोग किया। ये दिखाना चाहते हैं आपको कि ये कहना क्या चाहते हैं हम। तब उससे तीनों लोकों में सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ जो शांत एवं सतोगुण से युक्त था, गंभीरता में समुद्र के सम्मान था, सम्मान तथा अक्षमावान था। हे मुनि, उस वह पुरुष इंद्र लक्ष्मणी के सदृश कांति वाला, अर्थात ये था कौन, ये देखिएगा नीचे। शिव जी ने कहा, उस जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको कहा, सर्वव्यापक होने से तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। ये देखिए ध्यान से, फिर देखिए, सर्वव्यापक होने से शिव ने कहा, शिवजी ने कहा, सर्वव्यापक होने से के कारण तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। अब इससे सिद्ध हो गया कि शिवजी से विष्णु की उत्पत्ति। एक बार फिर लीजिए, अभी आपने ये शिव महापुराण में छठे अध्याय को देखा, छठे अध्याय में कि भगवान शिव से और पार्वती के संयोगता है। पार्वती कौन, ये महाशक्ति यानी शेरा वाली प्रकृति के द्वारा विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब सातवां अध्याय, ये संस्कृत भी साथ है। अब यहाँ आगे देखिएगा, ये हिंदी देखिएगा,
ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान के शयन करने के बाद उनकी नाभि से एकाएक बहुत बड़ा कमल पुरुष उत्पन्न हुआ, कमल पुष्प। अब ये ब्रह्मा बता रहा है लेकिन तुक्के लगा रहा, क्योंकि ये स्वयं बेहोश था पहले, इसको आप ही नहीं मालूम वो कौन से विष्णु की नाभि से मिला। ये देखिएगा, उत्पन्न हुआ जिसकी नाल टनकार फल फूल के फूल, अब ज्यादा ना देख के देखिएगा, उस सांब शिव परमेश्वर भगवान शिव ने पहले की भांति जैसे विष्णु की उत्पत्ति की थी दुर्गा और काल के संयोग तय, पहले की भांति अपने दहने अंग से मुझे उत्पन्न किया। ब्रह्मा कह रहा कि मेरी उत्पत्ति भी उस काल ब्रह्म से, यानी शिव कह रहे हैं ये शिव, शिव हो महा ब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये काल ही रहता है, मुझे उत्पन्न किया, ये ब्रह्मा जी ने बताया। कई भक्तात्मा कहते हैं कि जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हैं वही विशेषकर आम भक्त समाज उनको सत्य मानता, ऑथेंटिक मानता है। अब आपके सामने यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये पुस्तक दिखाते हैं, शिव महापुराण। संक्षिप्त शिव महापुराण, और ये नीचे गीता प्रेस गोरखपुर से, और इसके छठे अध्याय में फिर यही प्रमाण है। अब इसी शिव महापुराण का ये छठा अध्याय है, ये शिव महापुराण अध्याय नंबर 6, उसके बीच से सुना रहा हूं, आप इसको खरीद कर देख भी सकते हो। जिससे परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानी ज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारिणी सबके एकमात्र वंदनिया सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वरीय मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिंत सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। ये काल की कलाएं हैं सारी, और ये अनजान लेखक जिनको कुछ ज्ञान नहीं इस काल को ही सब उपमा दे रहे हैं उस पूर्ण ब्रह्म के तुल, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। अब यहाँ मूर्ति हो गया और फिर मूर्ति रहित भी है, अब ये काल की ही कला है, वो क्या बन गया, शिव रूप में आ गया। उसकी मूर्ति यहाँ देखो, चिंतमय आकार भगवान सदाशिव है, ये काल ही निराकार है और यही फिर महाशिव महाविष्णु और महाब्रह्मा के रूप में ये सब कलाएं करता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इसी को ईश्वर कहते हैं, जितना जिनको ज्ञान है इस काल को ही ये ईश्वर कहते। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति सृष्टि शक्ति की सृष्टि की, अर्थात वह देवी इसी के शरीर से निकली, वो निकाली थी पूर्ण परमात्मा ने, जो इसके पेट में शरण ले ली थी, कि जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, देखो प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है, वह शक्ति अंबिका कही गई है, और उसी को प्रकृति, ये ध्यान से देखना भक्तात्माओं, यही देवी अध्यामाया, ये प्रकृति देवी प्रकृति सर्वोश्री सर्वेश्वरी
त्रिदेव जननी यानी तीनों देवताओं की माँ ब्रह्मा विष्णु महेश की माता नित्य और मूल कारण कही सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की आठ भुजाएं हैं। अब ये सबता ही स्पष्ट हो गया कि यही प्रकृति देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और इसी में फिर आगे आता है कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव से हुई। ये महाशिव काल है।